नमस्कार दोस्तों, सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। मैं आपका अपना राइटर सुरेश चौहान सूर सावन फिल्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज अपने गांव जा रहा था तो यहां पर जेसीबी लगी हुई थी, तो कम से कम लगभग 5 घंटे मुझे हो गए हैं यहां पे बैठ के। और जेसीबी का जो कार्य है आप देख सकते हैं किस प्रकार से, क्योंकि आजकल सीजन है टमाटर अदरक खीरे का, तो लोड गाड़ी तो मुझे लगता है कि शायद खतरे से खाली नहीं है। यदि कोई भी उस्ताद यहाँ पे यातायात करेंगे तो हम नहीं समझ सकते कि वो अपनी कुछ भी, मतलब लगभग जैसे 40 या 45 क्रेडे हो और 2-4 सवारियाँ हो तो शायद ही गाड़ी यहाँ से क्रॉस हो पाएँ। आप देख सकते हैं, आप सभी श्रोताओं को अवगत करा रहा हूँ, यहाँ पर PWD की जेसीबी लगी हुई है जो खाली ओनली वन टाइम पास कर रही है। और ग्रामीणों का भी कहना है कि ये रोड ठीक नहीं है, और गांव के जो उस्ताद हैं वो भी यहाँ पर हैं, उनका कहना भी यही है कि ये रोड सक्सेस नहीं है। और जेसीबी वाला कह रहा है कि अभी भरपूर हो गई है, तो आप खुद ही देख सकते हैं। ये सभी जनमानस अत्यंत उत्तम कोटि के विचार विमर्श रखते हैं, आप अच्छे से देख सकते हो इस चीज़ को कि किस तरीके से इन्होंने ये बनाया है। और अभी हम बाइकें निकाली हैं फिलहाल, तो बाइकें आप देख सकते हो उधर खड़ी हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से निकाले हैं। तो मैं आपको अवगत करा देता हूँ कि किस प्रकार का ये वो बनाया गया है, आप रोड देख सकते हो। ये आप देख सकते हैं इधर से, मतलब यदि 12 क्विंटल भी गाड़ी लाती है तो वो भी मुश्किल निकलना है। आप देख सकते हो कितनी टक्कर दी गई है, और ये इस तरीके का वो बनाया गया है। आपका टायर यदि थोड़ा सा भी भार गया, सूत पर भी भार गया, तो गाड़ी पलट सकती है। सर नमस्ते, ये हमारे स्कूल के अध्यापक अत्यंत उत्तम कोटि के विचार विमर्श करते हैं। देखिए आप किस तरीके से निकाल रहे हैं जान जोखिम में डालकर, ये देखिए देखिए देख सकते हैं आप। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का।